अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। और मेरे चैनल के कोई 2 साल हो चुके हैं और मैंने लॉन्ग टूर जो है वो भी 2 बड़े टूर कर चुका हूँ। तो बहुत सारे दोस्तों के बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट में लड़कों ने दिए हुए हैं सारे दोस्तों ने, तो उसके जवाब तो मैं डायरेक्ट दे देता था, लेकिन आज मैंने क्वेश्चन आंसर की एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ ताकि जो उनको मैं मैसेज कर लेता था आप लोगों की कुछ नॉलेज में इजाफा हो जाए। और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग टूर के बारे में, मोटरसाइकिल के बारे में और बहुत सारे चीज़ों के बारे में लोगों ने पूछा है। तो आओ एक एक चीज़ को आज हम देखते हैं, जो जो चीज़ें हम फेस करते हैं और क्या क्या एक्सपीरियंस हमारा बन चुका है वो आज देखते हैं कि क्या बना है। सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारे भाई का आया हुआ है, एक्शन कैमरा कौन सा यूज़ करते हो? जुबेर भाई ने एक्शन कैमरा आप यूज़ करते हो। सबसे पहला जो मेरा नरान का टूर था उसके साथ मेरे साथ सिर्फ मोबाइल फ़ोन था J7 सैमसंग का, उसी से मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया था। उसके बाद मैंने आके अपने Hero 4 मैंने ले लिया, जिस तरह ये हेलमेट में पड़ा हुआ है Hero 4। इस्माइल भाई ने मैसेज किया हुआ है कि लॉन्ग टूर के लिए किन चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। भाई जब हम लॉन्ग टूर के लिए जाते हैं तो सबसे पहले अपने बाइक को मैकेनिक के पास लेके इसकी सही ज़बरदस्त तसल्ली से चेकअप करके इसकी ट्यूनिंग करवा के सब कुछ करने के बाद जब हम निकलते हैं तो क्या क्या ज़रूरी चीज़ होती है, तो 4 चीज़ें तो बहुत मस्ट होनी चाहिए आपके साथ। आपका CNC, आपकी मोटरसाइकिल की कापी आपके साथ, ये 2 चीज़ें तो ज़रूरी मस्ट होनी चाहिए। और उसके बाद आपके साथ हेलमेट ज़रूरी होना चाहिए। अब ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें जो टूर में बंदा अपने साथ रखता है वो क्या क्या होनी चाहिए यार? सबसे पहले ज़रूरी जो चीज़ है वो है ट्यूब। आपके साथ 2 एक्स्ट्रा ट्यूब होने चाहिए और आपके साथ पंचर किट मुकम्मल मौजूद हो और आपको खुद पंचर लगाना आता हो। यार हम बार बार सोचते हैं कि वहाँ पे कोई शॉप में मिल जाएगा। हम जब नरान गए थे नरान तक हमें रोड पे बहुत कम दुकानें मिली थी पंचर की, जो हम देख रहे थे वो कर रहे थे कि कोई यहाँ पे होगी या नहीं होगी। उसके बाद हम जो कुमराट और कलाम गए थे तो यार कुमराट में आपको कोई पंचर नहीं मिलेगा, बुदगुई पास से जब आपको जाओगे तो आपको कोई पंचर वाला नहीं मिलेगा। कलाम से मोडल चील और ये सारे इलाके जो जिस तरह ऑफ रोडिंग और माउंटेन एरियाज़ जितने होते हैं वहाँ पे आपको कोई भी पंचर वाला नहीं मिलेगा, तो अपने साथ ट्यूब पंचर और पंचर किट लाजमी रखना चाहिए। उसके बाद आपका आता है चैन, तो आपका चैन गिरारी जो होते हैं ना वो बिल्कुल फिट फाट होने चाहिए, ज़्यादा एक्सपायर इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। आपके साथ चैन लॉकर ज़रूर होने चाहिए, 5 चैन लॉकर होने चाहिए आपके साथ। और तकरीबन 30-50 किलोमीटर के बाद आपने ओरिजिनल मोबाइल जो होता है वो चेन को देने चाहिए ताकि चेन जो गीला हो और उसके बाद वो सी आराम से चलता है। उसके बाद चेन लॉकर के साथ आपके जो क्लच और गियर के फ्रंट लीवर होते हैं उन लीवर का एक लीवर आपके साथ होना चाहिए और क्लच तार और ब्रेक तार जो होता है वो भी आपके साथ होना चाहिए। इसके साथ फ्रंट लाइट है वो भी हम अपने साथ रखते हैं, पीछे ब्रेक का जो स्प्रिंग होता है वो भी अपने साथ हम रखते हैं। ये 5 चीज़ें जो होती है ये 24 घंटे जितनी भी आप राइडिंग करते हो सारे राइडिंग में आपके साथ आपके इस्तेमाल में आते हैं, तो ये मस्ट होते हैं कि ये ख़राब हो सकते हैं। तार जो होते हैं वो कट हो, मतलब है कि वो कहीं भी आपके साथ तो नखारा या टूट जाते हैं कि गियर लीवर भी टूट जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। इसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि इससे और ज़्यादा कितनी कितनी चीज़ें आप अपने साथ रख सकते हो। जिस तरह कुछ लोग होते हैं वो अपने साथ क्लच प्लेट्स भी रखते हैं, अपने साथ एक चैन गिरारियों का सेट भी अपने साथ रख लेते हैं, बाकी वो सारी चीज़ें जो होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो सारी एक एक उनके साथ अलग होती है, लेकिन ये जो मेन 6-7 चीज़ें हैं ये मस्ट होनी चाहिए आपके साथ। हो गया है मसला, तो मसले की हल होती है, हर मसले को हल करना पड़ता है। ये गिर गया है बैग से औजार, सब कुछ हमने निकाल दिया है, लेकिन मसला ये है कि ये वाला नट भी स्लिप हो गया है, स्लिप है ना, आगे जाता है ना पीछे, ये खुल ही नहीं रहा और बहुत टाइट भी है, इसको खुलने की ज़रूरत भी नहीं है। और ये जो है कर्र कर रहा है, इसका जुगाड़ करेंगे, जुगाड़ करने के लिए इसको ऐसे बाहर निकालेंगे, बस अब ये टच नहीं होगा। दूसरे भाई ने क्वेश्चन किया है, रिजवान भाई ने, कि ब्रदर आई लाइक योर पैशन, प्लीज़ कैन यू शेयर योर हेलमेट व्लॉग सेटअप वीडियो।
ये सबसे जो आज अभी तक मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई। मैं सोच रहा था कि मैं जब दोबारा कोई सेटअप अपनी हेलमेट न्यू हेलमेट लूँगा या कोई दोस्त का हेलमेट बनाऊँगा मोटो लॉगिंग के लिए तो उस पर मैं वीडियो बना के शेयर कर लूँगा, लेकिन अभी तक मैंने कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनाई। तो मेरे साथ जो हेलमेट है वो चाइना का हेलमेट है, कोई लोकल है यार इतना अच्छा अच्छा या वो वाला हेलमेट तो नहीं है, लेकिन इस पर मैंने जो ये फ्रंट मोटो लॉगिंग के लिए सेटअप किया हुआ है इसके लिए आगे मेरे साथ हीरो 4 कैमरा है। और हीरो 4 का ये जो नीचे आप केबल देखते हो ये अंदर आता है यहाँ पे, यहाँ से ये दो ये जो माइक का केबल है कनेक्ट हो जाते हैं और इसको मैंने अंदर से लेके यहाँ पे मैंने माइक लगाया हुआ है। जो आप लोग मेरी वॉइस सुनते हो मोटो लॉगिंग में वो यही माइक है, यही माइक मेरा इधर लगा होता है। और जो हवा की वो या सांस लेने की जो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है वो इसलिए आती है कि ये इधर भी मैंने लगाया हुआ है तो बहुत ज़्यादा इसको कैच लेता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का माइक है। तो ये मेरे मोटो लॉगिंग का छोटा मोटा सेटअप। थैंक्स अल्लाह, ऐसा हुआ ना बहुत ज़्यादा पत्थर थे और पीछे ठहरते जाना एक पत्थर ने मारा है ना रोड की दूसरी साइड पे हो गया मोटरसाइकिल और वहाँ पत्थर बहुत ज़्यादा थे और फिर टायर मदद नहीं दे रहा था और उसके बाद उतरना पड़ा। उतरने के साथ फैजल अब वो सामने है यार। चलो शुक्र है हमारे एक दोस्त को गाड़ी मिल गई, उसका बड़ा टेंशन था, वो 3 किलोमीटर से ज़्यादा उसने पैदल सफ़र किया। ये इश्क नहीं आसान, संभल के चलिए। ओके, उसामा हटक ने क्वेश्चन किया हुआ है कि आप कौन सा एडिटर यूज़ करते हो। भाई एडिटिंग के लिए मेरे साथ सिर्फ एक ही एडिटिंग, पहले मैं फिल्मोरा यूज़ करता था। नरान की टूर के बाद मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है वो सारे एडोब प्रीमियम प्रो सीसी पे बना रहा हूँ और वही सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ जो सबसे बेस्ट है और इजी है, नॉर्मल मज़ा आता है उस पर एडिटिंग करके। भाई मैं HRPC हूँ, मुझे आपकी वीडियो बहुत पसंद आई है, आपने कैमरा कहाँ से लिया है, कितने का मिला है, चाहता हूँ काइंडली रिप्ले मी। भाई हीरो 4 आजकल पाकिस्तान में 47,000 का मिल रहा है और मैंने इसको यूज़ में लिया था 30,000 का, तो मैंने इधर इस्लामाबाद में एक बंदे से यूज़ में लिया हुआ है। तो आजकल बहुत रेट हाई हो चुके हैं, गोपरों के बाहर से आते हैं तो इशू बहुत बन चुका है। हीरो 4 और या गोप्रो के जितनी भी कैमरे हैं सबसे बेस्ट हैं। मैंने एक बार इन्वेस्टमेंट की है, अब इस कर लिया है, एक बार इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, थोड़े से ज़्यादा पैसे लग जाते हैं तो कोई बात नहीं। अहमद नवाज भाई ने क्वेश्चन किया हुआ है कि भाई बात यह है कि मैं जब भी जाता हूँ तो लॉन्ग रूट पे जब आप जाओ तो आप अपनी सीट को कंफर्टेबल बनाओ। उसके लिए आप 2-3 चीज़ें यूज़ कर सकते हो। एक आपके साथ जो ये हाथ की जो रेडियो होती है उसके जो टायर का ट्यूब होता है वो लोग यूज़ करते हैं, दूसरा वेस्पा जो होता है वेस्पा मोटरसाइकिल उसका ट्यूब यूज़ करते हैं, तीसरा आपके साथ जो आप ट्रैवलिंग पे आप तौलिया आप लेके जाते हैं वो भी यूज़ किया जाता है और फोम भी लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा जो मोटरसाइकिल का जो सीट है वो एक्सपायर है, जैसे ही मैं बैठ जाता हूँ 30 मिनट के बाद ये थोड़ा नरम हो जाता है, ऑटोमेटिकली नरम हो जाता है और सोफे के सीट की तरह बन जाता है यार, बड़ा ज़बरदस्त। तो मुझे अभी तक कोई भी इशू नहीं आ रहा है, कंफर्टेबल फुल फीलिंग होती है, कोई इशू नहीं होती है मोटरसाइकिल की सीट से। मैं क्वेश्चन राणा फारूक भाई ने कमेंट किया हुआ है कि वैसे मैं भी जाना चाहता हूँ 70 पर लेसेस नहीं बना है, बाकी गाड़ी के कागजात है सब मेरे पास, मुझे रिप्ले लाजमी करना। यार भाई इसको मैंने रिप्ले तो की है, लेकिन आप लोगों के लिए जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं और उनके साथ लेसेस नहीं होता और लेसेस के बगैर वो जाते हैं कि हमारे साथ गाड़ी है मोटरसाइकिल है सब कुछ है कागजात भी है लेकिन हम जाएँ या ना जाएँ क्या सीन होता है वहाँ पर रोड पर चेक करते हैं नहीं चेक करते हैं। भाई ऐसी चीज़ है कि ये मोटरसाइकिल है गाड़ी है, इसको आप विदाउट लाइसेंस चलाओगे तो कुछ नहीं होता। आपको पाकिस्तान में अभी तक नॉर्थ एरिया तक मैं गया हूँ आया हूँ कोई भी इशू अभी तक नहीं आया मेरे साथ, तो लाइसेंस है अपना। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कहीं भी आपने गाड़ी टक्कर आ गई, किसी को आपने मार दिया और आपने विदाउट लाइसेंस आपने गाड़ी चला रहे होते हो और आपके साथ ये हो गया,
तो इसका मतलब होता है कि आपने 302 मतलब है कत्ल कर दिया है, क्योंकि विदाउट लाइसेंस आपका अगर पर्चा काट दिया गया, अब अदालत में एक बात चली गई तो सारी जिम्मेदारी आप पे आती है। तो विदाउट लाइसेंस ना गाड़ी चलाओ ना मोटरसाइकिल चलाओ, पहले पहले अपने साथ मोटरसाइकिल और गाड़ी अगर आपने लेनी है तो सीधा उसके लाइसेंस बना लो। लाइसेंस बहुत ज़रूरी चीज़ होती है अपनी सेफ्टी के लिए। मुसव्विर अली खान ने क्वेश्चन किया है कि भाई आप कितने टाइम के बाद मोटरसाइकिल को रेस्ट देते हो। भाई ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम तक मोटरसाइकिल चलाते हो। हाँ, मोटरसाइकिल के लिए कितना टाइम ज़रूरी होता है, देखो अगर आप ऑफ रोडिंग करते हो, ऑफ रोडिंग पे आप पहले दूसरी तीसरी गियर में आप चलाते हो तो मोटरसाइकिल का इंजन गर्म होने का हदसा ज़्यादा होता है, तो आप 10-15 मिनट चला कर या 2 किलोमीटर चला कर 1 किलोमीटर चला कर, मतलब भाई जिस तरह हम बुधगई पास वाले रोड पर जा रहे थे तो वो बहुत टफ रोड था, उमराट में जा रहे थे तो हमने बहुत स्टे किए थे, इस कम्पेयर टू हम जब रोड पर जाते हैं, रोड पर हम 35-40-45-50 मिनट तक मोटरसाइकिल चला के उसके बाद रेस्ट कर लेते हैं, कभी कभार तो घंटा भी चला लेते हैं। अब ये है कि हम जब चलाते हैं तो हम लॉन्ग टाइम चला सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। आप क्या होता है, कभी कभार कुछ मोटरसाइकिल की सीट जो होते हैं वो बहुत सख्त होते हैं, बहुत मतलब हार्ड होते हैं, तो वो उस पर बंदा ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता, और मैं तो बहुत ज़्यादा देर तक चला सकता हूँ क्योंकि मेरा जो सीट है वो एक्सपायर हो चुका है। साफ बात है वो एक्सपायर, जिस तरह मैं उस पर बैठ जाता हूँ आधा घंटे के बाद वो थोड़ा नीचे होके एक सोफ़ी की तरह बन जाता है, बहुत ज़बरदस्त। ना कोई मैं इसके नीचे टूर पे कुछ भी चीज़ यूज़ नहीं करता, लोग इसके नीचे ट्यूब में हवा भर के नीचे यूज़ करते हैं कोई क्या, और नॉर्मल जो चीज़ होती है तुलिया जो होता है ना वो लोग रख के इस्तेमाल करते हैं, वो भी बड़ी फिट चीज़ है, तो आपको कोई भी इशू नहीं होता। तो हम 30 से लेके 1 घंटा चला के उसके बाद हम स्टे करते हैं मोटरसाइकिल को, और इस डिपेंड आप, कभी कभार आपने बहुत लंबा सफ़र करना होता है तो आप स्टे नहीं कर सकते, सोचते हो कि स्टे करूँगा तो टाइम नहीं है, तो आप जितना आपकी अपनी हिम्मत है कि आप जितने टाइम तक बर्दाश्त कर सकते हो उतने टाइम तक आप बर्दाश्त करो, और मोटरसाइकिल को स्टे देना ज़रूरी है क्योंकि ये भी इंजन है, छोटा सा इंजन होता है और इसको ठंडा करना होता है। मोहम्मद इस्माइल भाई का क्वेश्चन है कि रास्ते में पुलिस का मसला तो नहीं होता और क्या खर्चा आता है। भाई पुलिस का ऐसा इशू है कि अगर आप जहाँ भी जाते हो, हम नॉर्थ एरिया जाते हैं तो पिंडी इस्लामाबाद से गुजरना पड़ता है हमें, हाँ बहुत ज़्यादा, अगर आप कुमराट साइड जाते हो तो पेशावर साइड से जाना होता है, मेन इशू जो होता है पुलिस का वो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद और पिंडी, यहाँ पर आपने अगर कहीं आपने सिटी में मोटरसाइकिल नहीं चलाया तो आपके लिए बहुत इशू होता है, अगर आपने कहीं भी सिग्नल क्रॉस कर दिया कुछ भी कर दिया वो माफ़ नहीं करते, वो भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते क्योंकि वो उसी स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करते हैं, और बाकी इधर उधर का सारा जो सीन होता है पुलिस, हम जितनी भी एरिया आते हैं बड़ाबाद बांसेरा नारायण का खान इधर एरिया में बहुत मतलब है मोहब्बत वाली पुलिस होती है, कुछ भी नहीं होती। हाँ चेक पोस्ट पर हम गुजरते हैं, चेक पोस्ट पर ये होता है कि वो कागजात देख लेते हैं, अगर शनाख्ती कार्ड उनको देखना होता है शनाख्ती कार्ड देख लेते हैं, बाकी चेकअप मेकअप सारा जो होता है बहुत फ्रेंडली तरीके से हमारे साथ पेश आते हैं, कहीं भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कहीं हमें पुलिस ने कोई रुकावट डाली हुई है। खर्चे के हिसाब से ये होता है कि बहुत सारे दोस्त मुझसे पर्सनली भी मैसेज करते हैं कि आपका कितना खर्चा आता है। देखो मोटरसाइकिल पे हम जाते हैं तो हमारा जो होता है मोटरसाइकिल का पेट्रोल होता है, मैं अंदाजतन दोस्तों को कहता हूँ कि 3000 रुपये पर डे खर्चा आता है। 3000 में आपका जो होता है, आप ट्रेवलिंग करते हो एक दिन में 250-300-400 किलोमीटर, तो आपका 1000 रुपये पेट्रोल का खर्चा हो गया, और आपका 500 रुपये जो होता है खाने पीने का खर्चा हो गया, और आपका 1000 रुपये जो है वो रिहाइश का आप अपना साथ रखो, पेट्रोल का 1000 रुपये रखो, रिहाइश का 1000 रुपये रखो, और आप 1000 रुपये खाने के लिए रखो। अब अगर आपका पेट्रोल ज़्यादा हो गया, 1500 तक चला गया, तो आपको उधर रिहाइश आपको कम मिल गई, रिहाइश अपना आपने स्लीपिंग बे अपना टेंट रखा है तो रिहाइश के पैसे आपके निकल गए, तो उसके बाद खाने पीने के ज़्यादा हो गए। अगर आपके साथ रिहाइश या कुछ नहीं है तो 700-800 आपको कमरा मिल जाता है या टेंट मिल जाता है, और बाकी आपके सारे पैसे इसमें कवर हो जाते हैं, तो आपका 2000 से लेकर 3000 पर डे के हिसाब से अपने साथ खर्चा रखो, मतलब है कि आपने 12 दिन गुजारने हैं, 8 दिन गुजारने हैं, 7 दिन गुजारने हैं, 3000 से आप मल्टीप्लाई करो, ज़्यादा पैसे लेके जाओ, बचत हो गई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और बस हो गई। इजाज परवेज़ भाई आपका, अपने बाइक का फ्यूल एवरेज कितने मिले और बाइक का टायर पंचर हो जाए तो क्या करें और कौन सा सामान लाजमी रखें। सामान का मैंने बता दिया, मेरे बाइक का एवरेज कितना है, एवरेज मुझे ये देता है यार 250 किलोमीटर मेरा 700-750 का पेट्रोल लग जाता है। ये अभी जो मैं पिंडी से इस करक आया हूँ 250 किलोमीटर का बना है,
मेरा कोई 700-750 का पेट्रोल इसने खाया हुआ है। और हमाद साजिद ने क्वेश्चन किया है कि आप अपने मोटरसाइकिल का जो पंचर है वो किस तरह करते हैं। जर्नी ऑफ थ्री फ्रेंड में हमें कोई भी पंचर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आया था, लेकिन इससे पहले नारायण वाली टूर में हमें पंचर आ गया था और हम पंचर हम खुद लगा सकते हैं। हमने सीखा हुआ है किस तरह अपनी टायर निकालना है और पंचर को लगाना है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपको वो वीडियो में मैंने दिखाया था कि हम पंचर लगा रहे थे, वीडियो बनाई थी और डाला भी था। तो खुद लगाना पड़ता है आपको जब आप एक ट्रैवलर बनते हो, मोटरसाइकिल पर टूर करते हो। तो आज के सीन कुछ इस तरह का था कि आज मैंने क्वेश्चन आंसर का सोचा कि जितने भी दोस्तों ने क्वेश्चन आंसर किए हैं उनके जवाब दे दूं वीडियो में, ताकि देखने वालों को भी पता चल जाए। ज़्यादातर क्वेश्चन जो हो रहे थे वो यही थे कि कौन सा कैमरा यूज़ करते हो और पंचर का क्या सीन होता है, और सारे क्वेश्चन थे। मुझे पर्सनल भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए लड़के मैसेजेस करते हैं। टूर पे हम जाते हैं, हमारा एक्सपीरियंस होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करना हमें खुशी होती है। तो आप भी क्वेश्चन करो, नेक्स्ट वीडियो में वही क्वेश्चन के आंसर दूंगा। अभी बस 70 के साथ मेरा शायद कुछ ही लम्हात हो, अपडेट होने का दिल कर रहा है, बता दिया मैंने। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।